यह परंपरा आज नहीं, हमारे पास इस कुल देवता को उनकी परंपरा में चलने वाले परमानंद नाम के एक श्रेष्ठ उज्जैन के पंडित हुए। और उस पंडित को इतने विद्वान थे कि उनको सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन चीन से उस समय उज्जैन के बारे में, उज्जैन के विद्वान विद्वत्ता के बारे में सभी को पता था। तो चीन से उज्जैन आए और उन्होंने कहा कि जो ये कुल देवता की साधना है, जिससे कुल में सुख वृद्धि होती है, जो चीन में नहीं थी और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार होने गया था, तो इस परमानंद जी को उन्होंने 1,00,000 रुपए देकर लेने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं चीन नहीं आऊंगा। तो उन्हें राजा को डरा कर धमका कर उनको ले गए और इस कुल देवता की साधना को ट्रांसलेशन करते हुए चीन में उनकी स्थापना की। और उस चीन में आज जो जनसंख्या बढ़ी हुई और वहां के आप जिस सुख शांति को जिसको देखते हो, ये परमानंद जी की देन है, जहां उनको उन्होंने उस तिब्बती भाषा में इस ज्ञान को दिया था। आज ऐसी साधना जो मैं आपको कह रहा हूँ, रामचंद्र जी के वंश के बारे में भी कहा जाता है। रामचंद्र जी के पास अयोध्या जी का बहुत बड़ा मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो मूर्ति को देखकर जब लंका को सब पार करके आ गए, लंका को जीत कर आ गए, तो लक्ष्मण के साथ सभी लोग आए थे। आपको ये भी पता है कि लक्ष्मण जब रामचंद्र जी को बोले प्रभु, वो अयोध्या में मिट्टी के घर बंधे हुए, सब वहां क्या रखा है, यहाँ तो स्वर्ण की लंका है, हमने रावण को जीता है, हम क्यों यहाँ नहीं रहते, हम यहीं रह जाएंगे, अपने माता को सबको बुला लेंगे, स्वर्ण की लंका है। तो रामचंद्र ने कहा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से, इस सोने की लंका तो तुम छोड़ दे, अगर स्वर्ग भी मुझे देते हैं तो मैं उसे नहीं लूंगा, मेरे जन्मभूमि को जाऊंगा, मेरे जन्मभूमि में जाकर वास करूंगा। ऐसे आज कितने लोग हैं अपने जन्मभूमि में रहकर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कब अमेरिका जाए, रशिया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, इस बात का है कि उसको जन्मभूमि का हम ज्ञान भी नहीं देते, ना माता पिता का ज्ञान देते हैं। वो चला जाएगा, वहां जाएगा तो फिर माता पिता को याद नहीं करेगा, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि तुमने उसे सिखाया बाहर जाने का, बाहर रहने का। वो वहां की लड़की को शादी करेगा, यहाँ से लड़की ले जाएगी, वो अपने माँ बाप की बात कहेगी और आप उस दुख के भागी होंगे, केवल लोभ के कारण, केवल पैसों के कारण आप इसको अनुभव कर रहे हैं, और कुल देवता का अहो कृपा होने के कारण। यही बात जब हुई तो वहां जाने के बाद लक्ष्मण जी ने सबने कहा, तो विभीषण ने कहा रामचंद्र जी को, प्रभु आप तो आपने देखा है मैं तो ब्रह्मचारी हूं, रावण की पूरी संतानें चली गई है, मर गई है उस युद्ध में, रावण मर गया, रावण कुंभकर्ण मर गया, सब मर गया, और मैं विभीषण ब्रह्मचारी हूं, तो इस स्वर्ण की लंका को कौन चलाएगा आगे, स्वर्ण की लंका का क्या होगा, आप तो नहीं रहने की बात करके चले आ गए, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरी स्वर्ण लंका बहुत अच्छी तरीके से उसमें राज्यपालन के बाद हमारा वंश चले, पुरुष के वंश का उद्धार हो, ऐसा कोई मार्ग बताओ। रामचंद्र जी बहुत, क्योंकि विभीषण की सहायता से ही रामचंद्र ने जीती थी। आपको पता है लक्ष्मण जब रावण मर जा रहे थे, रावण जब बाणों से बींधे हुए गिरे थे, तो राम उनके पास आया। राम आने के बाद रावण ने राम को देखा, रावण ने राम को एक बात कही, हे राम मैं तुझे एक बात बताता हूँ सुन, वय में मैं तेरे से बड़ा हूँ, आयु में मैं तेरे से बड़ा हूँ, ज्ञान में तेरे से भी बड़ा हूँ, अस्त्र शस्त्र युद्ध में तेरे से भी बड़ा हूँ, ऐश्वर्य में तेरे से भी बड़ा हूँ, मेरे पास किस प्रकार की कमी नहीं है, सच बात तो मैं जीतना था लेकिन मैं हार कर तेरे सामने आज मरा पड़ा हूं, क्यों पता नहीं, तेरे पास विधेयधारी नम्र भाई तेरे साथ है और मेरे को मेरा भाई नहीं छोड़कर चला गया, इसलिए मैं हार गया, और यह कारण था कि उनके पास उस भाई के रहने के कारण जीते और विभीषण आने के बाद। तो यह बात रामचंद्र जी को भी याद थी, रामचंद्र जी को भी यह याद था कि विभीषण ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, अब उनका उपकार चुकाए कैसे, क्या करना है, क्या करने से उपकार चुकेगा। तो उन्हें लगा कि हमारा जो कुलदेवत है, रघुवंश से लेकर दशरथ से लेकर आज तक भी हमारा वंश चल रहा है, केवल इस कुलदेवता की पूजा करने के कारण मैं उसका उपकार कैसे चुकाऊं। और रामचंद्र ने कहा कि मेरे कुलदेवता अयोध्या जहां भी रहेंगे उसका वंश बढ़ते रहेगा। तो पुष्पक विमान में आए थे सभी लोग, तब विभीषण ने कहा तो फिर इसे अयोध्या जी को ही दे दो, हमारी लंका अच्छी तरह चलेगी और हम ले जाएंगे। रामचंद्र जी ने जैसा ही अयोध्या जी को विभीषण को दिया जीत के आने के बाद, और विभीषण उस अयोध्या जी की मूर्ति को पुष्पक विमान में बैठ कर ले जा रहा था, लेकिन इस विषय को कुल गुरु को वशिष्ठ को पता चला कि रामचंद्र ने अयोध्या की मूर्ति दे दी, तो उन्हें बहुत धक्का लगा, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया राम ने। तब उन्होंने जब जाते जाते उन्होंने देखा कि जैसे ही लंका की तरफ पुष्प विमान बढ़ रहा है, तो वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र बल से उस विमान को नीचे खींचा, विभीषण को प्यास लगी या उसको अशौच कुछ भी करना था, वो नीचे उतरा
और वो भूष्म भगवान को नीचे उतर कहा कि मैं मेरा शोष निपटा कर आता हूँ। लेकिन तब उन्होंने कहा एक शर्त रखी थी कि इस मूर्ति को जहां रखोगे वहां से वो फिर मूर्ति हटेगी नहीं, आप उसको देखना है। और भूष्म भगवान केवल आकाश में ही स्थिर रहता था, वो जमीन पर नहीं बैठता था, वो उसके वजन को सिर नहीं, ये शौच करके आया था, कैसा काम हो ये समझाने आए कैसा कार हो। तो जैसा ही गया पुष्पक विमान के, उस पुष्पक विमान के ने कहा कि बहुत वजन हो रहा है, मूर्ति को थोड़ा नीचे उतारा, कावेरी के नदी के तट पर उस मूर्ति को नीचे उतारा और मूर्ति वहीं रह गई। आज जिसको श्रीरंगम के नाम से जाना जाता है, वहां अयोध्या की मूर्ति के, उसे अयोध्यानाथ ही कहा जाता है। और अयोध्यानाथ की जैसी स्थापना हुई, अयोध्यानाथ यहाँ है, वशिष्ठ ने आकर कहा रामचंद्र जी आपने ये क्या किया, तुमने क्या क्या किया, तूने वो भाई आपकी कुलदेवता की मूर्ति दे दी, ने उसके उपकार मेरे ऊपर है, लेकिन अब तेरा क्या होगा। ऐसा ही गया, इधर क्या क्या हुआ आपको सबको पता है। अयोध्या की कुलदेवता मूर्ति गई, सीता घर से बाहर चली गई, गर्भवती के पुत्र जो राजकुमार बनकर वहां रहने वाले थे वो बाहर चले गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके माता पिता सब दुखी हो गए, रामचंद्र विरह में प्राप्त किए, वाल्मीकि ऋषि को कितना दुख भोगना पड़ा कुलदेवता के मूर्ति को देने के बाद। इसी तरह कहता हूं अगर रामचंद्र जी को ही कुलदेवता की मूर्ति देने के बाद इतना दुख भोगना पड़ता है, तो कुलदेवता अपने पास से चले जाए तो अपने को कितना दुख भोगना पड़ता है आप सब लोग जानते हैं। इसलिए जो अपने घर में सुख शांति और आध्यात्मिकता से अपने माँ बाप का सुख देखना चाहता है, अपना सुख देखना चाहता है और अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, वो लोग निश्चित रूप से अपने कुलदेवी का भजन करें। और मैं मेरे साधकों को चाहता हूं कि वो कभी दुखी न रहे। मैं आज भी कहता हूं तुम्हें, जब मैं नौकरी करता था मैं भी शिविर में आपके साथ आपके वैसा ही बैठता था, और केवल पत्नी बैठकर कभी कहा करती थी अपन कभी कभी हैदराबाद में ऐसा शिविर कर सकेंगे क्या, मैं बोला चुप है, पैसे नौकरी में 4,000 कमा के नहीं लाखों रुपए लगता है, अपने से शिविर विविर नहीं होता, तू चुप बैठ जा ऐसा काम होने वाला नहीं। अब वो नाराज हो जाती थी कोई भी हुआ करता था, बहुत दिन बहुत बार भी यह बात मन में खटकती रही कि नहीं हुआ, लेकिन कभी मैं मेरे कुलदेवता के पास या मेरे गुरु की चरणों में जब प्रार्थना करता था, प्रभु कभी कम से कम हमारे से एक शिविर तो बनवा लो, एक शिविर तो हो जाए, आप इतना आशीर्वाद तो इतना सामर्थ्यवान तो मुझे बनाओ कि मैं एक शिविर तो कर सकूं। कभी भी हमें यह चिंतन कम से कम हमारे में होना चाहिए कि मैंने गुरु जी को क्या किया, मैंने गुरु को क्या किया, जो गुरु को मैं मांगने का अधिकार रखता हूं, सेवा की, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, अपने कर्म दिए, क्या किया मैंने गुरु को, और मेरे गुरु को मांगने का अधिकार है। जब तक हमारे प्रश्न में हमारे में भूख नहीं उठती, हमारे में दुख नहीं उठता कि मैंने गुरु को क्या किया है, तब तक हमारा जीवन कभी सुधरेगा नहीं। और मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं मैं मेरे गुरु मेरे कुलदेवता मेरे माता पिता की उतनी ही चाह करता हूं जितना चाह किया हूं, और आज आई साम्राज्य देख रहे हैं आप, उन सभी की कृपा है मेरे पास। आज मैं 100,000 लोगों को लेकर यहां खाना खाकर यहां बैठता हूं तो केवल उन सभी की कृपा है, मैं आज ऐश्वर्यवान हूं। आज मैंने कभी नहीं चुका, मैंने एक शिविर कहा था, मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव के 5 शिविर किए और आज 21 साल से शिविर करता हूँ। ये गुरु की सेवा है, गुरु के प्रति मेरी निष्ठा है या गुरु कृपा मुझ पर है, बिना गुरु कृपा के कार्य नहीं होता और गुरु कृपा से कार्य हुआ। मैं आपके जीवन में भी कहता हूं मेरे साधक भी कभी इनमें दिन में यह हिचक लेकर नहीं रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम असमर्थ है, आप सब लोग सामर्थ्यवान हो और गुरु का उतना ही प्रचार करें जितना मैं कर रहा हूं, मेरे से भी ज्यादा। आशीर्वाद देता हूं आप अपने कुलदेवता और अपने गुरुदेवता की पूजन करें और आप स्मरण करें कि आपके जीवन में ये दुख ये एक प्रकार का दर्द आप महसूस करें कि मैंने गुरु को क्या किया है, मैंने गुरु को क्या समर्पण किया, क्या दिया है, क्या सुख दिया है। मैं गुरु को जब तक ये नहीं दे सकता मैं उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, और जब भी आप में आएगा उस दिन से आपका भाग्य खुलेगा, मैं ये बात कहता हूं। और इसके लिए मैं आज आपको कुलदेवता की वो साधना प्रदान कर रहा हूं जो आज के दिन रात के 12 बजे तक या कल सुबह 12 बजे तक ये साधना संपन्न करता है उस देश में, वो आपकी कुलदेवता मालूम हो ना हो आपके घर में कुलदेवता की स्थापना होगी और आप सुख शांति से अनुभव करेंगे, आपके निश्चित रूप से एक ही गुरु होंगे और वो 7 जन्मों तक हो 7 पीढ़ियों तक आपकी सहायता करेंगे और सुख शांति के साथ जीवन गुजारने सकेंगे। ऐसी साधना आपको आज प्रदान कर रहा हूं, जो लोग यहाँ है वो लोग साधना ले लें और आने वालों को भी साधना संपन्न करवाने की बात करें। फिर भी एक बात कहता हूं, ये तो साधना की बात हुई, साधना करवाऊंगा, साधना करेंगे आप, अभी आप 12 बजे खाना खाएंगे, आपको 12 बजे से 2 बजे तक रेस्ट दे रहा हूं, 2 बजे सभी साधक हम अपने गुरु को, मैं तो हाथी पर गुरु जी को इस बार लाना चाहता था, हर बार ये टूट रहा है, लेकिन इस बार और भी उच्चता के साथ और भी उन्नति के साथ और भी श्रेष्ठता के साथ उत्साह के साथ मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को पालखी में वहां से लाना चाहता हूं। जब परंपरा यहां आरंभ हुई भूम के लोगों ने पहली बार पालखी की यात्रा यहां निकाली, उनका पहली यात्रा का श्रेय भूम वालों को ही जाता है, और उसके बाद आज
कल कभी दो थे पालकी की यात्रा, कभी तीन थे, आज 15 पालकी यात्राएं हो गई है रात को आने की। और इसका उदाहरण लेकर वो लोग भी पालकी यात्रा करना चाहते हैं। अयोध्या में एक पालकी यात्रा हुई, दूसरे मैं जिनकी की बात नहीं करता, वो लोग एक पालकी यात्रा निकालने के लिए आगे पीछे हैं, जबकि गर्व के साथ कहता हूं मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मैं 15 पालकी यात्राओं का निखिल चेतना के बिना श्रेय नहीं मिला। आज हम उत्साह के साथ उस पालकी यात्रा को कंदपुर से गुरु जी को पूरे उत्साह के साथ पूरे आनंद के साथ वहां से निखिल चेतना केंद्र को ले आएंगे। सभी लोग 3 बजे तक कंदपुर पहुंच जाए और हम यात्रा के साथ आएंगे। अभी आपको भोजन का समय भी देता हूं और साधना करने का, साधना केवल आधे घंटे की है या 1 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा जो साधना करेंगे आपके जीवन में संतान होगी, संतान सुख मिलेगा, पति सुख मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो जरूर मिलेगा, आपके माता पिता का सुख मिलेगा, आप भी माता पिता बनकर सुख दे सकेंगे। और आपके दिल में प्रमुखतः आप अगर चाहते हैं कि मैं गुरु सेवा करूं, गुरु को प्रसन्न रख सकूं, तो इस साधना से गुरु को प्रसन्न जरूर रख सकेंगे। आशीर्वाद देता हूं आपको, 15 मिनट का समय देता हूं, आप साधना का साधना सामग्री लेकर यहां पहुंचे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कमी ना पड़े, यही उद्देश्य से मैंने राजा भोज का मैं उस कथन को लेकर मैं आज जो देखकर कह रहा हूं कि ये जो साधना करेंगे उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जो इन बाधाओं से पीड़ित है जैसा मैंने कहा है वो साधना संपन्न करवाने की बात कर रहा हूं। आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपकी सारी मन की इच्छाएं पूर्ण हो और आप इस साधनाओं को संपन्न करें। बड़े बड़े पुण्य सदगुरुदेव भगवान की भजन मंडली भजन सुनाए तब तक या लेकर आए हैं, और जो साधक पालकी यात्रा लेकर आए हैं वो लोग उनके मुख्यता मुख्य मुख्य आदमी एक एक करके सामने आए, दत्तु भैया से वस्त्र ले ले, उनको वो वस्त्र ही पहनकर पालकी की यात्रा में आना है। मैं आपको दे रहा हूं, एक एक का नाम बुलाएंगे, आप आकर वो वस्त्र ले जाओ।